हेलो एवरीवन वेलकम टू अन एकेडमी कैसे हैं आप सब सभी लोग फटाफट जुड़ते रहिए आज के सेशन के लिए आज काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है दैट इज पार्टनरशिप अब तक हम लोग दो टॉपिक कर चुके हैं रेशियो और मिक्सचर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पार्टनरशिप बहुत ही आसान टॉपिक है रेशियो से डायरेक्ट लिंक है सिंगल कंसेप्ट है अभी आपको समझाने वाला हूँ सभी लोग फटाफट पहले जुड़ते रहिए जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं सेशन को फटाफट शेयर भी करते रहिएगा ठीक है बाकी लो हम लोग की सीरीज चल रही है चैप्टर चैप्टर वाइज वाइज तैयारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं पहले एडवांस सब कुछ करते जाएंगे ठीक है तो आज का टॉपिक जो है दैट इज पार्टनरशिप ठीक है आपको कौन से भी समझाऊंगा थोड़ा समय और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल बाकी बच्चों अपने बारे में बात करूं मेरा नाम है रणधीर सिंह आठ साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे एसएससी और डिफेंस एग्जाम्स को पढ़ाने का

ठीक है अगर आप चाहें तो ऐप पे जाके भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वहाँ आपको आप सब्सक्रिप्शन आप का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको अगर टेन परसेंट का डिस्काउंट चाहिए अगर आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं एल आई वी ई ठीक है आर ए एन आप इस कोड को यूज करेंगे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा लाइव रन इस कोड को यूज करते ही आपको टेन परसेंट क्या मिल जाएगा बताओ डिस्काउंट ठीक है बाकी जिन बच्चों ने अभी तक लर्निंग को इंस्टॉल नहीं किया भाई सबसे पहला काम करो प्ले स्टोर से जाके अकेडमिक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो ठीक है आगे बात करते हैं बच्चों ये आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल है मतलब जो आपके चार्जेज हैं अगर आपको पेड बैच में पढ़ना है सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना है ठीक है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं एक महीने तीन महीने छह महीने बारह महीने और चौबीस महीने के सब्सक्रिप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है ठीक है जैसे मैंने आपको कोड बताया एल आई वी आर एन इस कोड को यूज करेंगे डिस्काउंट मिलेगा तो टेन परसेंट डिस्काउंट मिलने के बाद एक साल की जो फीस है वो पांच हजार चार सौ हो जाएगी और दो साल की जो फीस है वो छह हजार चार सौ अस्सी इसके अंदर आप मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस सभी टेस्ट सीरीज जितने भी बैच चल रहे हैं सभी टॉप मतलब तो हर महीने ठीक है कई नए बैच आते रहते हैं आप किसी भी बैच में कहीं पर किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं और सभी फैकल्टी इंडिया के टॉप फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिलेंगे शुड बी स्टार्ट ना क्या स्टार्ट किया जाए बेटा नहीं सोनी यहां पर तैयारी होती है एस की ठीक है इस वाले चैनल पर तैयारी हो रही है एस की तो क्या स्टार्ट किया जाए अगर सब लोग तैयार हैं तो फटाफट कमेंट कर दो अगर आप तैयार हैं तो फटाफट कमेंट कर दिए शुड बी स्टार्ट नाओ क्या स्टार्ट किया जाए ठीक है चलो तो बात करते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप में थोड़ा कंसेप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझा देता हूं मैं फिर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगर मैं पार्टनरशिप का कंसेप्ट के बारे में बात करता हूं अच्छा आप सभी को बताए कि पार्टनरशिप क्या होती है बेसिक बात भाषा में बात करें हम लोग तो पार्टनरशिप क्या होती है आप कहोगे जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस में सबसे मेन बात क्या है कि मोस्टली जो यहां पर पार्टनरशिप की बात होगी मोस्टली वो किसमें होगी बिजनेस के बारे में बात होगी मोस्टली ठीक है तो जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस में कुछ पैसे लगाते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम कुछ समय के बाद उनको क्या होता है प्रॉफिट होता है कुछ लाभ होता है क्या होता है बताओ प्रॉफिट सारा खेल किसका है बताओ यहां पर प्रॉफिट का तो उस प्रॉफिट को आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ठीक है उनपे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बिजनेस किया दो लोगों ने या दो से ज्यादा लोगों ने तो प्रॉफिट को आपस में कैसे बांटना है उस पर ही क्या बनेंगे क्वेश्चन पार्टनरशिप के बात समझ में आ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्रॉफिट है बच्चों वो हमेशा किस में बांटा जाएगा बताओ रेशियो में एक अनुपात में प्रॉफिट को बांटा जाता है और वो अनुपात किससे बनता है मैं लिख देता हूं ध्यान सुनना वो अनुपात बनता है अमाउंट इनटू क्या बताओ टाइम से मतलब पहले आदमी ने कितना पैसा लगाया और कितने समय तक वो बिजनेस में बना रहा रेशियो दूसरे ने कितना बनाया कितने समय बना रहा तो अमाउंट इंटू टाइम से ही प्रॉफिट का रेशियो बनेगा ऐसे मान लो दो लोग हैं तो पहले का अमाउंट इंटू उसका टाइम रेशियो दूसरा कितना अमाउंट लगाया उसका टाइम ठीक है रेशियो तीसरा कितना अमाउंट लगाया उसका टाइम तो इस तरह से आप रेशियो बनाते जाएंगे ठीक है और चीजें आपकी सॉल्व होती जाएंगी ठीक है एंड सो ऑन, जितने भी लोग हैं ठीक है तो यही छोटा सा एक कंसेप्ट है पार्टनरशिप का जिसपे आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं पूरा रेशियो का ही कंसेप्ट है तो पार्टनरशिपेप्ट क्या हो गया सिंपल सा प्रॉफिट को ब्रेक करना है और प्रॉफिट कैसे ब्रेक होता है प्रॉफिट ब्रेक होता है अमाउंट इन टू टाइम से मतलब किसी आदमी ने कितने पैसे लगाए और कितने समय तक वो बिजनेस में बना रहा क्या सबको ये बात समझ में आ रही है अगर समझ में आ रही है तो फटाफट कमेंट करते जाओ सभी लोग अगर ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट कमेंट कर देना सभी लोग ठीक है चलो तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है पढ़िए और लगाइए और जो आंसर आ जाए फटाफट -फड़ कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है पढ़ते जाइए लगाते जाइए और जिसका जो आंसर आ जाए कमेंट कर देना बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन एबीसी ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में एक दो तीन के अनुपात में लगाया है ठीक है और जो टाइमिंग का रेशियो है वो चार दो तीन है तो पूछा गया प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा पढ़ो बताओ सभी लोग फास्ट बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आसान सा सीधा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है देखो सबसे पहले क्या है कि कैपिटल का रेशियो वन रेशियो टू रेशियो थ्री है कैपिटल मतलब क्या होता है अमाउंट तो अमाउंट का जो रेशियो है वो वन रेशियो टू और रेशियो क्या दिया गया बताओ थ्री ये तो हो गया अमाउंट का रेशियो ठीक है अब पढ़ लो उनका जो टाइमिंग है ठीक है वो क्या रेशियो बताओ द टाइमिंग ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो फोर रेश रेशियो थ्री फोर रेशियो क्या बताओ टू रेशियो कितना बताओ थ्री तो ये तो हो गया अमाउंट और टाइम का रेशियो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड किया गया होगा अभी आप लोगों को समझाया गया था यहां पर कि प्रॉफिट जो होता है वो किस रेशियो में बढ़ता है अमाउंट इनटू टाइम अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई करते जाओगे प्रॉफिट का रेशियो बनता जाएगा तो ये अमाउंट है ये टाइम है मल्टीप्लाई कर दो वन इंटू फोर हो गया फोर यहां मल्टीप्लाई कर दो टू टू जा कितना हो गया फोर ठीक है यहां मल्टीप्लाई कर दो थ्री थ्री जा कितना हो गया नाइन हो गया आपका सिंपल सा आंसर तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है अमाउंट इंटू टाइम से आप रेशियो बना सकते हो ये सिंपल सा आपका आ चुका है आंसर सभी लोग फटाफट कमेंट कर दो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है चीजों को समझते जाओ अब इसको x, 2x, 3x, इसको 4y, इसको टू इसको 3y मान के भी मल्टीप्लाई करोगे तो हर जगह एक्स वाई आ जाएगा एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा अगर कोई बच्चा ज्यादा ही बेस से लगा रहा है एक्स वाई मान के तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर एक्स आएगा हर जगह यहां हर जगह वाई आएगा मल्टीप्लाई होगा हर जगह एक्स वाई आएगा एक्स वाई कट जाएगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है देखता हूं सबसे पहले कौन आंसर करेगा पढ़ो और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताने का प्रयास कीजिए सभी लोग देखता हूं सबसे पहले कौन आंसर करेगा सभी लोग पढ़ते जाइए बताते जाइए फटाफट और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा लाइक और शेयर करते रहिए सभी लोग फटाफट कमेंट करो सीखो अच्छा देखो ध्यान से पहले क्या क्या दिया है वो लिखा जाए कैपिटल का रेशियो वन रेशियो टू रेशियो थ्री है और क्या बताओ प्रॉफिट का रेशियो टू रेशियो थ्री रेशियो वन है देखो ध्यान से बताओ प्रॉफिट का रेशियो क्या है प्रॉफिट का रेशियो टू रेशियो थ्री और रेशियो क्या बताओ वन है ये प्रॉफिट का रेशियो है ठीक है और अमाउंट का रेशियो वन टू थ्री है तो अमाउंट का रेशियो क्या है ये वन और रेशियो क्या बताओ टू और रेशियो क्या बताओ थ्री आपसे क्या पूछा गया लास्ट में बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा टाइम का रेशियो क्या होगा अच्छा एक बात बताओ अभी आपने सीखा था कि प्रॉफिट का रेशियो किससे बनता है अमाउंट इन टाइम से यही तो कंसेप्ट है तो अगर आपसे यहां से पूछ लिया जाए कि बताओ टाइम का रेशियो किससे बनेगा तो आप क्या करोगे प्रॉफिट को अमाउंट से डिवाइड कर दोगे जो हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन अमाउंट तो टाइम बराबर क्या होता है प्रॉफिट अपॉन अमाउंट मतलब प्रॉफिट को अमाउंट से डिवाइड कर दो टाइम का रेशियो आ जाएगा ये प्रॉफिट है ये अमाउंट है फटाफट डिवाइड करते जाओ आपका रेशियो तैयार तो हो जाएगा, जाएगा? 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 जाएगा रेशियो सबको थोड़ा बहुत आता होगा क्लास में ले भी चुका हूं एक दो तीन का एलसीएम कितना होगा छोटे तो कितना हो गया बारह ठीक है दो से कितना हो गया तीन थ्री थ्री कितना हो गया नाइन तीन से कितना हो गया यहां पर दो तो आंसर हो गया बारह नौ और दो ठीक है ये मेन फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे तो बाकी चीजें अपने आप बना लोगे हां भाई क्लियर है तो फटाफट कमेंट भी कर दीजिएगा सभी लोग सभी लोग फटाफट फ़ड़ कमेंट कर दियो अगर क्लियर है भाई फटाफट फ़ड़। चलो वेरी गुड वेरी गुड आ जाओ अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट फ़ड़। जितने लोगों को समझ में आ रहा है फटाफट फ़ड़ कमेंट करते जाओ पढ़ो बताओ फटाफट फड़। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब तक जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट कर दो हर क्वेश्चन के बाद आपको एक से दो मिनट मिलेगा क्वेश्चन लगाने के लिए पढ़ो लगाओ क्वेश्चन है थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्ट रूपीज ट्वेंटी लाख ठीक है थर्टी लाख एंड फोर्टी लाख रिस्पेक्टिवली बट आफ्टर वन ईयर ए विड्रू हिज मनी बी एज वेल एज सी कंटिन्यू द बिजनेस फॉर वन मोर ईयर इफ एट द एंड ऑफ द टू द टोटल प्रॉफिट वॉफ सिक्सटी फोर थाउजेंड फाइन द शेयर ऑफ ए ठीक है ध्यान रखना तो सबसे पहली बात है आपको क्या करना है प्रॉफिट का रेशियो निकालना है सबसे पहला काम क्या करोगे प्रॉफिट का रेशियो किसका ए बी और सी का तो यहां ए है और यहां क्या बताओ बी है और यहां क्या बताओ सी है ध्यान रखना ठीक है तो प्रॉफिट का रेशियो किससे बनता है अमाउंट इन टू टाइम से तो ए ने पैसा लगाया बीस लाख बी लगाया तीस लाख और सी लगाया चालीस लाख ठीक है एक साल के बाद ए ने अपना पैसा निकाल लिया इसका मतलब कम से कम एक साल तो बिजनेस किया तो अमाउंट इन टू टाइम बी क्या किया बताओ बी और सी एक साल और बिजनेस किए मतलब वास्तव में वो लोग दो दो साल बिजनेस किए तो अमाउंट इन टू टाइम रेशियो यहां भी क्या आ जाएगा ये भी दो साल बिजनेस किया खत्म कर दो तो बीस से कम बीस ठीक है तीस धुनी कितना हो जाएगा साठ और चालीस धुनी कितना आ जाएगा अस्सी तो ये बन गया आपका प्रॉफिट का रेशियो कट कर दो तो बीस से एक हो गया बीस से तीन हो गया और बीस से क्या आ गया बताओ यहां चार आ गया तो प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में बांटा गया होगा वन रेशियो थ्री रेशियो फोर में एक अनुपात तीन अनुपात चार के रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा अच्छा प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट है चौसठ हजार जोड़ लो आराम से तो चार तीन सात और एक आठ तो आठ रेशियो का मान कितना आ गया बताओ चौसठ हजार रुपए तो अगर आठ रेशियो का मान चौंसठ हजार है तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा एक रेशियो का मान हो जाएगा आठ हजार अगर एक रेशियो का मान आठ हजार है तो आपको क्या निकालना है ए का कितना प्रॉफिट था तो वही एक रेशियो ही है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा एट थाउजेंड क्या बताओ रुपीस? सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट करते जाओ सीखते जाओ ठीक है जानना अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट करता रहिएगा सभी लोग भाई ठीक है चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और बताइए क्या आंसर आएगा इसका आंसर आ जाए, कमेंट कर दीजिएगा भाई हर क्वेश्चन के बाद आपको टाइम मिलेगा एक मिनट का मिनिमम ठीक है चलो जॉन प्रीति गौरव जैक बहुत अच्छे चलो क्वेश्चन क्या है देखो ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप ठीक है ए कंट्रीब्यूट्स वन बाई फोर ऑफ द कैपिटल फॉर फिफ्टीन मंथ्स एंड बी रिसीव्ड टू बाई थर्ड ऑफ द प्रॉफिट फॉर हाउ लॉन्ग द मनी ऑफ बी वाज यूज्ड ठीक है बात को समझो अच्छा आप सभी लोग पढ़े हो अभी एक कंसेप्ट कि अमाउंट इनटू टाइम ठीक है और यहां भी क्या बताओ अमाउंट इनटू टाइम समझाया था तो अमाउंट इनटू टाइम अमाउंट टू टाइम से किसका रेशियो बन जाता है क्या ये प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है बोलो हां या ना अगर अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आपका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा आप कहोगे हाँ सर सिंपल आ जाएगा तो अमाउंट टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा सुनते जाओ कैपिटल ठीक है ए ए ने ने पूरी पूंजी का एक चार भाग भाग किया किया है अच्छा अगर था तो बचा हुआ कौन करेगा करेगा बी ही क्योंकि और कोई तो है नहीं ये कहानी किसकी है ए की की कहानी बी है ठीक है तो अगर ए ने चार भाग इन्वेस्टमेंट किया था पूरी पूंजी का तो बी ने कितना कितने महीने बिजनेस किया है पंद्रह अच्छा, महीने ठीक है और बी कितने मैंने करेगा वो निकालना पड़ेगा टी टू अच्छा अब बात होगी प्रॉफिट की अच्छा प्रॉफिट किसको रिसीव हुआ है बी को बी रिसीव टू बाई थर्ड ऑफ द प्रॉफिट तो प्रॉफिट जो है बी पाया है कितना दो बटे तीन अगर बी पाया है दो बटे तीन प्रॉफिट तो बताओ ए कितना पाएगा ए पाएगा एक बटे तीन प्रॉफिट अगर बी पाएगा दो बटे तीन तो ए पाएगा एक बटे तीन सिंपल ही बात है क्योंकि ए और बी दो ही पार्टनर है ठीक है सॉल्व कर दो तीन और तीन खत्म यहां से चार और चार खत्म सही है ठीक है तीन से काट दो यहां पांच खत्म तो फाइव टू जेन तो टी टू इज इक्व क्या आ गया टेन मंथ्स तो बी का पैसा कितने कितने महीने तक बिजनेस में रहा आप कहोगे बी का पैसा दस महीने तक बिजनेस में रहा क्लियर है तो फटाफट कमेंट करते जाओ आसान सा है अमाउंट इन टाइम से आता है प्रॉफिट का रेशियो समझ गए हो तो फटाफट -फड़ कमेंट कर दो भाई सभी लोग आई होप समझ गए होगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो और बताओ सभी लोग फटाफट सॉल्व करो भाई ठीक है अच्छा एक बात बताओ इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान सुना बच्चों इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से कहीं भी टाइम आपको नहीं दिया गया है नहीं दिया गया ना ठीक है सुनना एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं ठीक है अगर पूरे क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया गया हो तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबको टाइम बराबर दिया गया होगा मैंने क्या बोला अगर पूरे क्वेश्चन में या तो टाइम बराबर दे दे बड़ी अच्छी बात वरना क्या करे टाइम दे ही नहीं ठीक है अगर टाइम नहीं देता है तो बाई डिफॉल्ट हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबको टाइम बराबर दिया गया होगा सबको टाइम बराबर दिया गया होगा अगर सबको टाइम बराबर दिया गया है तो बताओ मुझे एक कंसेप्ट पहले सीख लो फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो प्रॉफिट का रेशियो किससे बनता है सबको पता है प्रॉफिट बनता है अमाउंट इनटू टाइम रेशियो अमाउंट इनटू टाइम ठीक है रेशियो अमाउंट इनटू टाइम कितने भी लोग अगर मैंने कहा कि टाइम नहीं दिया है, तो है कि टाइम इक्वल था अगर टाइम था तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब जाएगा? के के जाएगा हाँ या ना बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है पर बहुत बार आपको यूज करना पड़ जाता है जब किसी भी क्वेश्चन में टाइम ना दिया गया हो या इक्वल दिया गया हो बात सुनना टाइम ना दिया गया हो या इक्वल दिया गया हो तो टाइम कैंसिल हो जाएगा तो प्रॉफिट का रेशियो डायरेक्ट क्या बन जाएगा अमाउंट के रेशियो से जैसे इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम नहीं दिया गया है तो जो यहां पर अमाउंट का रेशियो दिया है यही क्या बन जाएगा बताओ प्रॉफिट का रेशियो बात समझ आ रही है ठीक है तो देखो ध्यान से अब क्या करोगे तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं बच्चों कि प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा ए और बी का जो अमाउंट का रेशियो है तो ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो मतलब अमाउंट का रेशियो कितना बन जाएगा दैट विल बी फाइव रेशियो क्या बताओ फोर तो प्रॉफिट का रेशियो वही है जो अमाउंट का रेशियो है फाइव रेशियो फोर यहां तक क्लियर है आगे बढ़ो एक काम करते हैं मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट क्या मान लेते हैं बताओ टोटल प्रॉफिट या कुल लाभ कुल लाभ मान लेते हैं कितना था सौ परसेंट था अज्यूम कर सकते हो परसेंट जानते हो अगर कुल लाभ सौ परसेंट का है तो अट्ठाईस परसेंट जो लाभ है ट्वेंटी एट परसेंट जो प्रॉफिट है बच्चों उसको क्या कर दिया गया बताओ उसको दान दे दिया गया है चैरिटी दे दिया गया है तो हटा दो उठा के 28% परसेंट तो बचा कितना बताओ बचा है बहत्तर परसेंट अट्ठाईस परसेंट अगर दान दे दिए हैं तो बचा कितना है बहत्तर परसेंट इसी बहत्तर परसेंट को ए और बी ब्रेक करेंगे आपस में तो ब्रेक कर लो पांच और चार कितना आ गया नौ तो नौ का मान कितना हो गया बहत्तर परसेंट तो एक का मान कितना आ गया आठ परसेंट बोलो हाँ ना ठीक है तो अगर एक का मान आठ परसेंट है ध्यान सुनना अगर एक का मान आठ परसेंट है तो पांच का मान आठ पंचे कितना हो जाएगा चालीस परसेंट का मान कितना हो जाएगा चालीस परसेंट अच्छा प्रॉफिट ए का जो है वो चालीस परसेंट है और जबकि ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है दो सौ चालीस रुपए है कितना है दो सौ चालीस तो आप कहोगे कि चालीस परसेंट का मान कितना है दो सौ चालीस रुपए अगर चालीस परसेंट का मान दो सौ चालीस रुपए है तो बताओ एक परसेंट का मान क्या होगा आप लिखोगे दो सौ चालीस बटे चालीस कितना आ जाएगा छह रुपए और अगर एक परसेंट का मान छह रुपए तो कुल प्रॉफिट कितना है सौ परसेंट तो आप लिखोगे सौ गुना छे रुपए तो आंसर विल बी सिक्स हंड्रेड रुपीज छ सौ रुपए आपको कुल लाभ हो जाएगा हाँ भाई क्लियर है तो फटाफट -फड़ कमेंट कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं अगर चीजें समझ में आई हैं तो फटाफट -फड़ कमेंट करते जाओ आई होप क्लियर है सबको वेरी गुड मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ठीक है अगला क्वेश्चन सब लोग पढ़ो एक मिनट का टाइम है पढ़ो और लगाओ यू ऑल हैव वन मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सबके पास एक मिनट का समय है पढ़िए और बताइए जल्दी करो फटाफट चलो अब तक आंसर आ जाना चाहिए था चलो समझते हैं कैसे क्वेश्चन है ए बी एंड सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड देयर इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव यहाँ पर ए है यहां मान लिया बी है और यहां मान लिया सी है ठीक है हमें क्या चाहिए हमें चाहिए प्रॉफिट का रेशियो हम का सारा फोकस क्या रहता है कि प्रॉफिट का रेशियो बन जाए ठीक एबीसी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस रेशियो में किया है में मतलब ए लगाया होगा एक रुपये बी लगाया होगा तीन रुपए सी लगाया होगा पांच रुपए ऐसा हम मान सकते हैं ठीक है आगे पढ़ो आफ्टर फोर मंथस चार महीने के बाद ध्यान से सुनना चार महीने के बाद कोई भी खुराफात हो इसका मतलब जो पैसा इन लोगों ने लगाया था बच्चों क्या वो चार महीने तो चलता ही रहा बिल्कुल चार महीने चलता रहा आराम से चार महीने के बाद जो होगा उसको देख लेंगे तो यहां पर ये यह जो पैसा लगा था इन लोगों का ये पैसा बच्चों चार महीने तो चलता रहा तो है ये तो कन्फर्म है ठीक है फिर आगे देखेंगे आगे बढ़ो आफ्टर फोर मंथ ए अगेन इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर ए ने उतना पैसा फिर से लगा दिया जो लगा रखा था तो ए लगाया था पहले कितना एक उतना और लगा दिया तो एक और एक क्या हो गया बताओ दो कितना हो गया दो यहां लिखोगे प्लस टू इंटू टू इंटू ठीक है अच्छा देखो लास्ट में यहां क्या लिखा है इफ एट द एंड ऑफ द ईयर अरे एक साल में कितने महीने होते हैं बारह महीने ठीक है उसमें से चार महीने बीत चुके हैं तो आप कहोगे कि अगर बारह में से चार महीने बीत चुके हैं तो टाइम कितना बाकी है आठ महीने का बाकी है तो यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे आठ से ये तो कहानी पूरी हो गई ए की अब आते हैं बी पर बी और सी ने क्या किया देखो बी एंड सी विड्रू हाफ ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट बी और सी ने अपना आधा आधा पैसा निकाल लिया अब सुनो ध्यान से B लगाया कितना था तीन उसका आधा कितना होगा डेढ़ अगर वो डेढ़ निकाल लिया तो बिजनेस में पैसा बचा कितना बताओ क्या डेढ़ रुपए बिजनेस में बचे बिल्कुल बचे डेढ़ रुपए यहां लिखोगे प्लस क्या बताओ डेढ़ रुपए कितने महीने के लिए बचे हुए आठ महीने के लिए प्लस सी ने क्या किया उसने अपना आधा निकाल लिया ठीक है तो पाँच का आधा पाँच का आधा कितना होता है ढाई तो हटा दो कितना आ जाएगा ढाई बचेगा ठीक है तो यहाँ क्या लिखोगे टू पॉइंट फाइव कितने महीने के लिए बताओ आठ महीने के लिए ए जो है उतना और लगा दिया तो एक और एक दो हो गया बी ने अपना आधा निकाल लिया तो तीन का आधा निकाल लिया तो आधा बचा तो तीन का आधा डेढ़ बचा और पाँच का आधा ढाई बचा ठीक है अब सॉल्व कर दो तो चार एक कम चार आठ दूनी सोलह सोलह और चार कितना हो गया बीस चार तिया बारह यहां भी बारह बारह और बारह क्या हो गया चौबीस पाँच चौक बीस यहाँ भी बीस बीस और बीस कितना हो गया चालीस ठीक है चार से कट कर दो पांच चार से कट कर दो छः तो चार से कट कर दो कितना बताओ दस तो ए बी सी का जो प्रॉफिट है ठीक है वो किस रेशियो में होगा गया बताओ पाँच छः दस के रेशियो में होगा आई होप यहां तक क्लियर है सबको ठीक है आगे बढ़ते हैं ध्यान समझना क्वेश्चन कहता है इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी सम ऑफ बी एंड सी पहले जोड़ लो बी और सी को तो दस और छ कितना आ गया सोलह टू दैट ऑफ ए से उसका डिफरेंस ध्यान सुनना तो सोलह ये है पांच ये है बताओ इनका डिफरेंस कितना होगा इनका डिफरेंस आएगा ग्यारह सोलह और पांच का डिफरेंस कितना आएगा ग्यारह आएगा ठीक है और डिफरेंस कितना है बारह सौ दस तो 11 का मान कितना आ गया बारह सो दस रुपए अगर 11 का मान है बारह सौ दस रुपए तो पूछा है सी का प्रॉफिट कितना होगा अगर 11 का मान ये है तो एक का मान क्या होगा ग्यारह से भाग कर दो कितना आ जाएगा एक सौ दस रुपए तो एक का मान आ गया एक सौ दस रुपए क्लियर है अच्छा अगर एक का मान एक सौ दस रुपये है तो पूछा गया प्रॉफिट ऑफ सी सी का प्रॉफिट कितना है तो सी का प्रॉफिट दस रेशियो है ठीक है तो एक का मान एक सौ दस है दस का मान क्या होगा एक सौ दस और गुना क्या बताओ दस ये कितना हो जाएगा ग्यारह सौ रुपए सबको क्लियर है तो फटाफट -फड़ कमेंट कर दो बी और सी के प्रॉफिट को जोड़ो उसमें से ए का प्रॉफिट घटाओ तो वो दिया है बारह सौ दस तो एक का मान 110 पूछा गया है सी का प्रॉफिट कितना है अगर बात समझ में आ गई है तो फटाफट कमेंट करते जाओ भाई एटलीस्ट कमेंट करते रहिए सभी लोग समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाओ बहुत अच्छे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर यहां पे क्या आएगा एंड सी एंड सी द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल टाइम ठीक है कुडूस अंसारी सरोज त्रिवेणी जॉन त्रिवेणी पांडे कुडूस जॉन त्रिवेणी चलो बताओ फटाफट सभी लोग पढ़िए सोचिए बताइए हर क्वेश्चन के लिए आपके पास एक मिनट का समय है किसी साझेदारी में ए जो है आधा पैसा लगाता है आधे समय के लिए बी तिहाई पैसा लगाता है तिहाई समय के लिए और सी जो है बचा हुआ पैसा लगाता है पूरे समय के लिए अगर पूरा प्रॉफिट तीन हजार आठ सौ का है तो उसमें से सी को कितना मिला पढ़ो सोचो बताओ फटाफट सभी लोग देखता हूं सबसे पहले कौन आंसर करेगा पढ़ते जाइए बताते जाइए भाई ठीक है चलो देखते हैं ए लगाया आधा पैसे आधे समय के लिए अच्छा बताओ प्रॉफिट का रेशियो बनाना है यहां लिख दिया क्या बताओ प्रॉफिट का रेशियो अच्छा प्रॉफिट का रेशियो किससे बनता है अमाउंट इनटू टाइम से ठीक है तो ए ने आधा पैसा लगाया है आधे समय के लिए हमने मान लिया पूरा पैसा एक है और पूरा समय भी एक है तो एक का आधा आधा उधर भी आधा तो आधा तो आधा पैसा आधे समय के लिए बी लगाया है तिहाई पैसा मतलब तिहाई समय के लिए ठीक है और सी लगाया है बचा हुआ पैसा पूरा आपने वन मान रखा है उसमें से वन बाई टू ए लगा दिया वन बाई थ्री ए लगा दिया बी लगा दिया वास्तव में तो वन माइनस इसको जोड़ो आएगा फाइव बाई सिक्स तो वन माइनस फाइव बाई सिक्स तो वो कितना आएगा वन बाई कितना बताओ सिक्स ठीक है तो सी ने कितना लगाया बताओ वन बाई सिक्स क्या कहता है फॉर द होल टाइम पूरे समय के लिए तो उसको एक मान लिया समझ तो में आ रहा है ठीक है फिर सॉल्व कर दो तो ये हो गया वन बाई फोर रेशियो ये कितना हो जाएगा वन बाई नाइन और ये कितना हो जाएगा वन बाई सिक्स सब लोग रेशियो पढ़े हो पढ़ा चुका हूं तो यहां मल्टीप्लाई कर दो आप किस से छत्तीस से कर दो तो चार से हो गया नौ नौ से हो गया चार और छः से हो गया छः मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो है तो वास्तव में नौ चार और छः का है मतलब प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा जाएगा पूरा प्रॉफिट ठीक है प्रॉफिट दिया कितना है तीन हजार आठ सौ जोड़ लो फटाफट नौ चार तेरह छः उन्नीस तो उन्नीस का मान कितना है उन्नीस का मान है तीन हजार आठ सौ रुपये तो एक का मान क्या आएगा दो सौ रुपये तो अगर एक का मान दो सौ रुपये है तो पूछा गया था तो सी का प्रॉफिट कितना है छः है तो छह गुना दो सौ रुपए तो छे दुनी कितना आ जाएगा बताओ यहां से बारह सौ रुपए क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो तो राइट आंसर इज ट्वेल्व हंड्रेड सी का प्रॉफिट ट्वेल्व हंड्रेड कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना ठीक है जॉन जैक सरोज ठीक है ये कौन बच्चा है कामचोर बच्चा वाह क्या नाम है <laughs> पर एक से एक नाम लिख के आते हो तुम लोग हैं <laughs> ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग फटाफट और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो बताओ भाई ए एंड बी हायर अ मेडो फॉर सिक्स मंथ्स ठीक है क्वेश्चन कहता है ए पुट्स इन ट्वेंटी वन काउल फॉर फोर मंथ्स हाउ मेनी कैन बी पुट इन फॉर द रिमेनिंग टू मंथ्स इफ ही पेज फाइव बाई सेवन ऑफ वाट ए पेज ठीक है ए और बी ने एक चारागाह किराए पे लिया है छह महीने के लिए देखो ध्यान से तो ए जो है इक्कीस गाय रखा है कितने महीने के लिए बताओ चार महीने के लिए ठीक कहता बी जो है कितनी गाय रखे तो मान लो एक्स गाय रखे फॉर द रिमेनिंग क्या बताओ टू मंथ्स ठीक है जबकि जब पैसे की बात आती है बी जो है ए का पांच बटे सात भाग पे करता है तो मान लो ए करता है एक तो एक का पांच बटे सात कितना होगा पांच बटे सात तो ये करेगा पांच बटे सात बात समझ में आ रही है बी जो है वो ए का पांच बटे सात भाग पैसा देता है तो एक का पांच बटे सात कितना हो गया पांच बटे सात इसको उल्टा कर दो तो पाँच बटे सात का उल्टा कितना हो जाएगा सात बटे कितना बताओ पाँच बात समझ में आ रही है सिंपल है चलो सिम्प्लीफाई कर दो फटाफट अब ठीक है तो सात से काट दिया कितना होता है हो यहां पर तीन ठीक है तीन चौक कितना हो गया बारह ठीक है दो से और काट लो तो दो से कितना हो गया होता है हो यहां पर दो और कटेगा नहीं तो एक्स से मल्टीप तीन दो नहीं छः पंच तीस तो एक्स का मान कितना आ गया बताओ यहां से थर्टी तो बी जो है कितने गाय रखेगा बताओ तीस गाय रख सकता है चीज़ें बहुत आसान है मैथ्स बहुत आसान है अगर समझ पा रहे हो तो 21 गाय चार महीने के लिए कितनी गाय दो महीने के लिए अगर बी जो है ए का 5 बटे सात भाग पे करता है ए करता है एक तो उसका 5 बटे सात पाँच बटे सात रिवर्स कर दो सात बटे पाँच लिख लो जब ऐसे भी सात बटे पाँच लिख सकते हो अगर इसको सात मान लो तो उसका पाँच बटे सात आएगा सॉल्व कर दो तो कुछ भी कर सकते हो आपकी मर्जी है बात समझ में आ रही है क्लियर है चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करते रहो तुम लोग लाइक और शेयर करने में बहुत कंजूस हो तो चुपचाप पढ़ते हो निकल लेते हो ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो काफी अच्छा क्वेश्चन है पढ़िए और बताइए बताओ सभी लोग फटाफट ए ने पैसा लगाया है तीस लाख बीस लाख और दस लाख ए और भी वर्किंग पार्टनर है जिसकी वजह से उनको क्या मिलता है दस परसेंट और पंद्रह परसेंट पूरे प्रॉफिट का एज ए सैलरी मिल जाता है ठीक है और बचे हुए प्रॉफिट को बांट देंगे वो लोग फिर कहता है कि साल के अंत में सी को तीन दशमलव सात पांच लाख रुपए मिले हैं तो ए को कुल कितना पैसा मिला है ठीक है देखो ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को लगाया जाए अच्छा क्वेश्चन है समझो ए लगाया तीस लाख बी लगाया बीस लाख सी लगाया है दस लाख ठीक है चलो ध्यान सुनना यहां लिखा ए यहां लिखा बी यहां क्या लिखा बताओ सी ए लगाया है तीस लाख बी लगाया है बीस लाख और सी लगाया है दस लाख तो इसका मतलब प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो अमाउंट का रेशियो होगा क्यों क्योंकि सबके लिए क्या है टाइम बराबर है कहा गया इफ एट ईयर एंड कुछ देर पहले इस बात को समझाया था जब टाइम बराबर होता है तो प्रॉफिट का रेशियो वही रहता है ठीक है अच्छा तो दस से कट कर दो कितना हो गया तीन दस से कर दो कितना दो और तो दस से काट दो एक इसका मतलब जो भी प्रॉफिट था वो तो तीन दो एक के अनुपात में बटा होगा ठीक है यहां तक क्लियर है ठीक अब सुनो आगे अब यहां हम लोगों ने लिख दिया मान लो टोटल प्रॉफिट बात समझना मान लेते हैं जो टोटल प्रॉफिट आया है वो कितना आया है हंड्रेड परसेंट बात समझना मान लिया जो कुल लाभ है कितना बताओ वो 100% है ठीक है जिसमें से ए और बी जो है कितना कितना लाभ लेते हैं 10% और 15% ठीक है तो ए को सैलरी मिल गई 10% और बी को सैलरी मिल गई 15% तो लाभ बचा कितना बताओ भाई लाभ कितना बचा 75% ठीक है तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां लिखा ए यहां लिखा बी और यहां लिखा सी ए को पहले ही उसकी जेब में 10% तो आ ही चुका है ठीक है और बी की जेब में पंद्रह परसेंट आ चुका है एज सैलरी कोई बात नहीं अब बचा हुआ जो प्रॉफिट है जो कि सेवेंटी फाइव परसेंट है वो थ्री टू वन के रेशियो में ब्रेक होगा जोड़ लो आराम से तो तीन दो पांच और एक आ गया छे। तो छे का मान कितना तो छह से भाग कर दो कितना आ जाएगा साढ़े तो अगर एक का मान साढ़े है तो तीन का मान साढ़े बारह कितना आ जाएगा साढ़े परसेंट एक का मान साढ़े बारह है तो दो का मान बताओ कितना हो गया पच्चीस परसेंट और एक का मान साढ़े बारह बच्चों तो एक का मान क्या आ जाएगा साढ़े बारह परसेंट ठीक ये तो प्रॉफिट मिला है तो लिख दो आराम से यहाँ पर साढ़े सैंतीस परसेंट अभी मिला पच्चीस परसेंट इसको और मिला और सी को केवल साढ़े बारह परसेंट ही मिला है तो अगर इसको आप जोड़ोगे इनको जोड़ोगे ये जोड़ के कितना आएगा यह आएगा फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट साढ़े सैतालीस पर ठीक है इनको जोड़ लो पंद्रह और पच्ची ठीक है कितना आ गया बताओ यहां पर चालीस परसेंट ठीक और ये कितना बताओ सी का सी का है साढ़े बारह परसेंट बात समझ में आ रही है सी कितना हो गया परसेंट। अब देखो ध्यान से तो ए पाया है वास्तव में इतना पैसा उस सौ परसेंट में से बी पाया है इतना पैसा असी पाया है इतना पैसा बात समझ में आ रही है ठीक है इसको थोड़ा मैं सही से लिख देता हूं जिससे आप टेंशन मत लो ए पाया है कितना पैसा बताओ 47.5 परसेंट क्लियर है कंफर्म है ठीक अब सुनो सी जो है वास्तव में कितना पाया है 3.75 लाख जो कि साढ़े बारह परसेंट का मान है यहां मैं लिख सकता हूं कि साढ़े बारह परसेंट का मान 3.75 लाख है बताओ मुझे एक परसेंट का मान क्या होगा ये हो जाएगा 3.75 और डिवाइड बाई कितना बताओ साढ़े डिवाइड तो कर दो आ जाएगा जीरो लाख ठीक है चलो तो एक परसेंट का मान अगर जीरो पॉइंट थ्री लाख है समझना? अगर एक परसेंट का मान जीरो कावन पॉइंट फाइव परसेंट इसका मान कितना होगा ये हो जाएगा इंटू जीरो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा फोर्टीन पॉइंट टू फाइव क्या बताओ लाख चौदह दशमलव दो पांच लाख फोर्टीन पॉइंट टू फाइव लाख दिस इज द आंसर तो ए को कुल कितना पैसा मिला है तो ए को मिला है चौदह दशमलव दो पांच लाख रुपए समझ गया ना तो अच्छे क्वेश्चन है थोड़े ध्यान समझिए सीखिए बनाइए सबको क्लियर है तो कमेंट करते जाओ भाई अगर क्लियर है तो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पढ़ना स्क्रीन ले लो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क ये क्वेश्चन क्या देना होता होमवर्क ठीक है इसको पढ़िएगा और इसका आंसर जो है वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना ठीक है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा सही है गलत है इसका आंसर जो भी आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सभी लोग ठीक है चलिए सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइन द सेशन ठीक है हम लोग का चैनल है लेफ्ट्रैक एस एस एग्जाम्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ठीक है और किसी को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है ठीक है तो आप एल आई वी ई आर एन कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाए अगर किसी को पेड बैच में पढ़ना है इस कोड को यूज करके आप टेन परसेंट का डिस्काउंट पा सकते हैं ठीक है तो एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए आराम से तैयारी कीजिए सभी टॉप फैकल्टीज से आप पढ़ सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है और फीस बहुत ही नॉर्मनल है ठीक है चलो ठीक है इसमें आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूं ना जहाँ सही रहेगा पहला ऑप्शन है हजार रुपए ठीक है दूसरा ऑप्शन है वन वन टू जीरो रुपीज तीसरा ऑप्शन है टू फोर टू जीरो रुपीज चौथा ऑप्शन है वन वन फोर जीरो रुपीज ये चार ऑप्शन है ठीक है इसके लिए तो जिसका जो आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई ठीक है बाकी अन का नारा है लेट्स क्रैक इट। तो आराम से तैयारी करते रहिए अन के साथ सिलेक्शन कंफर्म लेना इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है बच्चों बाय बाय टेक केयर और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा जितना लाइक या शेयर कर सकते हैं आप करते रहिए उतनी ज्यादा हम लोग मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे ठीक है बाय बाय